नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे पहले कुछ ताजा सुर्खियों की, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। गुजरात से 5000 किलो की 518 किलो कोकीन हुई जब्त, 5 लोग गिरफ्तार। 12 दिन में इस सिंडिकेट पर 3 छापे, 13000 करोड़ की ड्रग्स बरामद। राहुल गांधी महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता से करेंगे मुलाकात। विधानसभा चुनाव के लिए एमवीए दलों के साथ सीट शेयरिंग और पार्टी की तैयारियों का लेंगे जायजा। यूपी के बहराइच में बड़ा बवाल, युवक की हत्या के बाद भड़की हिंसा, फूके गए दुकानें, अस्पताल और वाहन। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद मुंबई की राजनीति में बड़ी हलचल। सीएम शिंदे को संजय राउत ने दी चुनौती, कहा मर्द हो तो बाबा सिद्दीकी के हत्यारों का करवाओ एनकाउंटर। यूपी के कानपुर इटावा हाईवे पर हुआ बड़ा सड़क हादसा, डंपर और कार की भिड़ंत से 5 लोगों की हुई मौत। बाबा सिद्दीकी हत्या केस पे हुआ नया खुलासा, पुलिस ने बताया कि बेटा जिशान सिद्दीकी भी था शूटर के निशाने पर। पूछताछ में आरोपी ने इस बात को स्वीकार किया। दोनों को गोली मारने के मिले थे आदेश, कुछ दिन पहले जिशान को दी गई थी धमकी। बात करें सोने चांदी के भाव की तो 76132 के ऑल टाइम हाई पर रहा सोना, तो वही चांदी 537 बढ़कर 90,500 रुपए प्रति किलो हुई। साल के आखिर तक 78,000 तक जा सकता है सोना। वहीं बात करें शेयर बाजार की तो सेंसेक्स में 500 अंक से ज्यादा की रही तेजी, ये 81,900 के स्तर पर कारोबार कर रहा। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार के बाद जीत के प्रति आश्वस्त दिख रही पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल सिरसा के सांसद कुमारी शैलजा ने हरियाणा में कांग्रेस की हार पर कहा है कि इसकी अहम वजह पार्टी का प्रदेश, जिला व ब्लॉक स्तर पर संगठन ना होना भी रहा। उन्होंने कहा कि मुझे मलाल है कि प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए संगठन नहीं बन पाया। आपको बता दें कि आला कमान प्रदेश में हार की समीक्षा कर रहा है। बताते चलें कि शैलजा एक दिन पहले रोहतक में एक प्रार्थना सभा में पहुंची थी, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सभा में थे। वहीं इस दौरान शैलजा ने कहा कि प्रदेश में हार की समीक्षा की जा रही है, लोगों से बातचीत कर फीडबैक भी लिया जा रहा है, उनको भी इनपुट मिल रहे हैं जिन्हें आला कमान के सामने रखा जाएगा। जहां तक ईवीएम का सवाल है, पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने मामले को रख दिया है, आयोग के जवाब का इंतजार किया जा रहा है। हरियाणा में नई सरकार बनते ही शीर्ष स्तर की अफसरशाही में बदलाव होगा। दरअसल मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के पदों पर नई नियुक्तियां तय मानी जा रही हैं। बता दें मुख्यमंत्री कार्यालय में नए चेहरों को एंट्री मिलेगी, तो वहीं इसके अलावा लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सही भूमिका नहीं निभाने वाले कुछ IAS, HCS और IPS, HPS अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कार्यालय में फेरबदल में मुख्यमंत्री नायब सैनिक के चहेते अफसरों को समायोजित किया जाएगा। और आपको ये भी बताते चले कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मनोहर लाल के स्थान पर मुख्यमंत्री बनने वाले नायब सैनी ने पुरानी टीम से ही काम चलाया था। तब OSD रहे जवाहर यादव, अभिमन्यु और भूपेश्वर दयाल चुनाव लड़ने के लिए CMO को अलविदा कह चुके हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अब कुछ सख्त कदम उठाने के मूड में नजर आ रही है। दरअसल सूत्रों की माने तो कांग्रेस इसकी शुरुआत विधायक दल के नेता के रूप में पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बदले किसी दूसरे विधायक को चुनकर कर सकती है। बता दें कि चर्चा है कि कांग्रेस पूर्व CM चौधरी भजन लाल के बेटे चंद्रमोहन विश्नोई को विधायक दल का नेता बनाकर एक बड़ा दांव खेल सकती है। हालांकि चंद्रमोहन हुड्डा गुट से नहीं है, ऐसे में अगर उनको विधायक दल का नेता बनाया गया तो हुड्डा गुट के नेता विरोध कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली में हुई बैठक में राहुल गांधी ने संकेत दिए हैं कि पार्टी अब कुछ सख्त कदम उठाने वाली है। आपको ये भी बताते चलें कि प्रदेश में मिली हार के बाद दिल्ली में हुई बैठक में राहुल गांधी ने किसी का नाम लिए बिना कहा था कि हरियाणा में कुछ नेताओं के हित पार्टी से ऊपर हो गए हैं। राहुल के इस बयान के बाद पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा दोनों ही चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल के बयान के मायने यही हैं कि हरियाणा कांग्रेस में अब हाईकमान बड़े बदलावों की ओर देख रहा है और इसकी शुरुआत विधायक दल के नेता, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस प्रभारी के बदलाव से की जा सकती है। कांग्रेस में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद अब प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। इसके लिए दीपक बावरिया ने राहुल गांधी से बात की है।
दरअसल उन्होंने राहुल से कहा कि मेरी जगह किसी और को हरियाणा का प्रभारी नियुक्त किया जाए, मुझे इस पर कोई आपत्ति भी नहीं है। बावरिया ने कहा कि स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण अभी वह समय नहीं दे सकते। आपको बताते चले कि दीपक बावरिया ने यह भी कहा कि चुनाव के बीच अचानक मेरी तबीयत खराब हुई और पहले भी मुझे ब्रेन स्ट्रोक आ चुका है। हालांकि अब मेरा स्वास्थ्य पहले से ठीक है, लेकिन अब भी एक दिन तबीयत ठीक तो दूसरे दिन खराब हो जाती है। इन सब चीज़ों को ठीक होने में समय लगेगा। दरअसल विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के दौरान 9 सितंबर को दीपक बावरिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती भी कराया गया था। वहीं अगली खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां जिले में मच्छरों का प्रकोप जारी है। अब तक डेंगू से 75 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि मलेरिया के 25 मामले। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जहां एक और टीमें बनाकर गांव-गांव जाकर जांच करवाई जा रही है, वहीं लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है ताकि डेंगू और मलेरिया के प्रकोप से बचा जा सके। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि करीब 400 टीम डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए धरातल पर काम कर रही है। जहां पर भी मामले सामने आते हैं वहां पर फॉगिंग की जा रही है। साथ ही ये भी बता दें कि बदलते मौसम की वजह से खांसी जुकाम बुखार जैसी बीमारियां भी पैर पसार रही हैं। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।